रेडी स्टार्ट। हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अर्जी में एहसन हकीम नामक व्यक्ति को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। इस अपील में एहसन हकीम को प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी पत्नी के ने विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा 2015 के वैवाहिक विवाह विच्छेद से तारीख 21 जुलाई 2017 को पारित उस निर्णय और आदेश को अपेक्षित किया है, जिसके द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अधीन फाइल की गई अर्जी को मंजूर करते हुए पक्षकारों के बीच तारीख 24 जनवरी 2000 को संपन्न विवाह को विघटित किया गया है, जिससे वैतित विवाह के विघटन के लिए अर्जी में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अपीलार्थी की नातेदारी से संबंधित पहलू के संबंध में पीडब्ल्यू द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करना उचित होगा। उसके द्वारा यह कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष का प्रत्यर्थी एक एल्बम साथ लेकर अपनी पुत्रियों के साथ आया था और उसने एक व्यक्ति के साथ अपीलार्थी का फोटो चित्र दिखाया था और वह यह फोटो चित्र देखकर हतप्रभ हो गया जो प्रत्यर्थी लाया था। अपीलार्थी से पूछे जाने पर उसने अपनी माता हमारे समकक्ष या समक्ष के प्रत्यर्थी और अपीलार्थी की 2 पुत्रियों की उपस्थिति में फोटो चित्र वाले व्यक्ति को एहसन प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पहचानते हुए यह कहा कि वह उससे प्रेम करती है और वह उसके बिना नहीं रह सकती और वह अपीलार्थी उससे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर वह हतप्रभ हो गया और उसने यह कहते हुए उसे समझाने का प्रयत्न किया कि उसके बड़े बड़े बच्चे हैं और वह एक विवाहिता स्त्री है और उसकी 2 पुत्रियां हैं और इसलिए इसका इस प्रकार का आचरण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। तथापि उसने यह कहते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में एहसन को नहीं छोड़ सकती अपितु घर छोड़ सकती है। उसने फोटो चित्रों और प्रदर्श के रूप में पारदर्शित या प्रदर्शित किया है। पीडब्ल्यू ने दहेज की मांग और शारीरिक हमले इत्यादि के अभिकथन के संबंध में यह कहा है कि अपीलार्थी ने दहेज की ऐसी किसी मांग के बारे में उसे कभी भी नहीं बताया और अपीलार्थी ने भी उसे इस बारे में भी कभी नहीं बताया कि उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता बढ़ती जाती थी। यह उल्लेख करना सुसंगत है कि पीडब्ल्यू के उपर्युक्त साक्ष्य के संबंध में कोई प्रति परीक्षा नहीं की गई है। स्टॉप।